नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। स्पेशली ये अपडेट तेजस को लेके हैं, जिसके ऊपर IAF चीफ ने अपने इंटरव्यू में कुछ बातें की हैं। तो उनमें से क्या क्या ऐसे हाइलाइट्स हैं उनको देखने वाले हैं, क्योंकि जब ये तेजस के सेकंड स्क्वाड्रन को फॉर्म किया जा रहा था तो इसी दरमियान IAF चीफ ने कई इंटरव्यू दिए हैं। उनमें से जो मुख्य बातें हैं उन पे गौर करने वाले हैं, जहाँ पे IAF चीफ से सवाल पूछे जाने पे, स्पेशली अगर बजट कट होता है जिस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन है उसको देखते हुए, तो IAF इस चीज के लिए कैसे तैयार है। यहाँ पे चीफ का मानना ये है कि वो पहले से ही तकरीबन 20-25% का जो सेविंग है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो लेके चल रहे हैं। अभी जो उनकी इमीडिएट प्रायोरिटी है वो 83 LCMK1A की है, तो मतलब अभी जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है उनके ऊपर बजट का कोई भी असर नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा मानना है IAS चीफ का। और इनमें से इंक्लूड है एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल यानी कि जो आपके प्रिसिजन गाइडेड ग्राउंड वेपन्स है वो, और डेटा लिंक। तो ये कुछ मुख्य सेक्शन है जो प्रायोरिटी रहेगी। वहीं पे DRDO के लिए भारत सरकार अपने डिफेंस बजट का तकरीबन 6% जो इन्वेस्टमेंट है वो करती है R&D पे। तो इस पे बात करते हुए सर ने ऐसा बताया है, DRDO काफी इनोवेटिव टेक्निक बनाते हुए आई है और अगर हमको फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो DRDO में हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्पेशली R&D में। MMRC 2 पे बात करते हुए सर ने ऐसा बताया है कि जो भी MMRC 2.0 के वेंडर्स हैं उनसे डिटेल में बात हो रही है, तो MMRC 2.0 अभी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। प्रायोरिटी लिस्ट में अभी फिलहाल 83 LCA है और उसके बाद LCA Mark 2 के साथ साथ जो AMCA है वो है। बाद में जो MMRC 2.0 है वो पैरेलल में आ जाएगा। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है, सर ने ये भी बताया है कि जो इसका नामकरण था तेजस मार्क 2 का, उसको पहले बताया जा रहा था कि वो MWF होगा। तो यहाँ पे सर का ऐसा मानना है कि अब ये तेजस मार्क 2 ही है, इसका जो नामकरण है वो बाद में किया जाएगा। वहीं पे जब उनसे पूछा गया कि भारत के फ्यूचर के फाइटर जेट यानी कि AMCA को लेके जो इंजन बनाया जाना है उसको लेके वो कैसे देखते हैं, तो इस पे बात करते हुए सर ने ऐसा बताया है कि किसी भी जेट इंजन को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना वो भी अपने घर में काफी कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव टास्क है। काबिल जो प्रोजेक्ट था वो पार्शियल सफल रहा है, हालांकि वो IAF को एक फाइटर जेट का इंजन तो नहीं दे पाया, लेकिन जो UCAV के इंजन हैं वो उसे मिल जाएंगे। और अभी हमारा कोई भी प्रेशर नहीं है DRDO पे कि DRDO AMCA के लिए कोई स्वदेशी इंजन ही दे, वो इस इंजन के लिए चाहे तो जो विदेशी कंपनियां हैं उनसे पार्टनर कर सकती हैं। तो यहाँ पे IAF की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। IAF चीफ ने ये भी बताया है कि इस इंजन को लेके जो DRDO से वार्ता है वो कई दफा हो चुकी है और अभी हो भी रही है। इसी दरमियान IAF चीफ ने यह भी दिया है स्टेटमेंट कि तेजस अपने क्लास में बेस्ट फाइटर है और उन्होंने अपने पायलट्स को एक प्रोत्साहन दिया है कि अगर उनकी स्किल लेवल तेजस से जुड़ जाती है तो ये प्लेटफॉर्म और भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यहीं पे द वीक से बात करते हुए IAF चीफ ने ऐसा बताया है कि जो भी इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस के तेजस थे यानी कि IOC तेजस जो कि अभी फिलहाल फ्लाइंग डैगर्स में है 16 के नंबर में, तो उन सभी IOC तेजस को FOC में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और वो चीज़ करेगी IAF ही। मतलब आप जानते होंगे कि IAF का एक अपना ही बेस रिपेयर डिपो है यानी कि BRD है। इस तरह के तकरीबन 11 BRD हैं IAF के पास जो कि रिपेयरिंग, ओवरहॉल और अपग्रेड का काम करते हैं। तो IAF चीफ का ऐसा मानना है कि ये जो आपके 16 IOC लेवल के तेजस हैं उनको FOC पे लाया जाएगा। FOC मतलब फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस वाले, जो कि कॉम्बैट रेडी आप कह सकते हो। और कॉम्बैट रेडी रहने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, जो उसका वेपन पैकेज है प्राइमरली वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो वही चीज़ें होने जा रही हैं आपके IOC के साथ, मतलब जो आपके IOC तेजस हैं वो सभी के सभी एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और साथ ही साथ जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं उनको भी प्रिसाइजली फायर करने में सक्षम होंगे, जबकि इनके एरोडायनामिक को ऑप्टिमली यूटिलाइज करने के लिए जो कुछ सॉफ्टवेयर अपग्रेड हैं वो भी किए जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली जो BRD नंबर 5 है जो कोयम्बटूर सुलूर बेस्ड है वही अपग्रेड करने वाले हैं। तो यहाँ पे IAF चीफ का मानना ये है कि जो इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रॉब है IFR उसको छोड़ के बाकी के जो सारे अपग्रेड हैं वो IAF खुद कर लेगी और इससे क्या होगा, जो मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट होगा IAF का वो ज़्यादा नहीं जाएगा, दूसरी तरफ जो वर्क है वो फास्ट ट्रैक रहेगा, क्योंकि अगर यही काम HAL करती तो उसमें टाइम लगता, क्योंकि HAL और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें लगी हुई है। तो यहाँ पे IAF उस चीज़ को फास्ट ट्रैक करने के लिए उनका जो ये डिवीजन है BRD वहाँ पे ये काम करने वाली है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक नज़र कि कौन कौन से BRD डिवीजन कहाँ कहाँ पे हैं। आपका जो नंबर 1 BRD डिवीजन है वो चाकेरी कानपुर में है, नंबर 3 चंडीगढ़ में है, नंबर 4 भी कानपुर में है, नंबर 5 सुलूरु में है, नंबर 7 तुगलकाबाद दिल्ली में है, नंबर 8 आवडी में है चेन्नई, नंबर 9 विमान बिहार पुणे में है, और वहीं पे जो आपका नंबर 11 है उजहार जो कि नासिक में है। तो ये कुछ डिवीजन है BRD के, जहाँ पे IAF के ही इंजीनियर्स ये ओवरहॉलिंग रिपेयर मेंटेनेंस इनके साथ साथ जो अपग्रेड है उन पे भी काम करते हैं। तो आपको यहाँ पे ऑल इन ऑल तकरीबन 40 के नंबर में जो कॉम्बैट रेडी फाइटर है तेजस वो दिखेंगे IAF के साथ। तो अब तक IAF चीफ ने अलग अलग इंटरव्यूज में जो चीज़ें भी तेजस को लेके या फिर इस प्रोग्राम के अलग अलग वेरिएंट को लेके कही है वो मैंने यहाँ पे एक जगह डाल दी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद।